नमस्कार दोस्तों, मित्रों, जय माता दी, जय गुरु महाराज की। ओम ओम ओम। आज हम धन प्राप्ति संबंधित कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी और उचित होगा। सबसे पहले तो सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्यनारायण का नाम सभी लोगों ने सुना भी होगा, सभी जानते हैं, और अक्सर सभी लोग सत्यनारायण भगवान की कथा यथा यथा समय करवाते भी हैं। लेकिन उसका एक क्या है, विधि विधान ऐसा है जो बहुत ही गोपनीय भी है और रहस्यात्मक भी है। सत्यनारायण मतलब सत्य से जुड़ा हुआ जो भगवान है वह सत्यनारायण है, और ये सत्यनारायण भगवान इस कलयुग में विशेष रूप से फलदायी हैं, रहेंगे और थे। तो मित्रों, सत्यनारायण भगवान की कथा का जो विधि विधान है उससे अपन परिचित हो जाए, इस हेतु आज ये चर्चा कर रहे हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का क्या, साधारण रूप से जो हम लोग करते करवाते हैं उसमें क्या है कि सुबह अपन ब्राह्मण पंडित को बुला लिया और अपनी जो है सत्यनारायण भगवान की सूक्ष्म रूप से पूजा अर्चना करी और कथा श्रवण करी, भोग लगाया, आरती करी, भोग लगाया और सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई। लेकिन ये इसका एक बहुत ही रहस्यात्मक जो विषय है वह हम आपसे शेयर करते हैं आज। इसको विधि विधान से यदि किसी ने किया तो उसको तत्काल ही उस चीज का, उस पूजा का फल प्राप्त होता है। वो कैसे, वह ऐसे कि जिस दिन हमको सत्यनारायण भगवान की कथा करना या करवाना है उसके एक दिन पहले से आपको उपवास रखना है। यदि दोनों हैं पति पत्नी तो दोनों को ये उपवास रखना है, और जब तक कथा समापन नहीं हो जाती तब तक उपवास रखना है, 24 घंटे का उपवास रखकर, और फिर भगवान सत्यनारायण का विधिवत पंचोपचार षोडशोपचार विधि से उसका पूजन करना है और फिर उसके बाद कथा श्रवण करना है, तो इसका फल आपको तत्काल ही मिलेगा। यह इस कलयुग में सत्यनारायण भगवान की कथा का फल है जो सत्य है। लेकिन करते क्या है अपन, एक औपचारिकता बस कि हमको कथा करना है, करवाना है, तो अपने योग पंडित ब्राह्मण को बुलाकर और कथा भगवान की पूजन अर्चना करी, कथा सुनी, प्रसाद वितरण किया, जय श्री हरि। लेकिन नहीं, उसका विधान यह है। और उस दिन आप झूठ से तो बहुत ही दूर रहिएगा, बहुत ही अति आवश्यक हो तब भी आपको झूठ नहीं बोलना है। और इस बात से आप सदा निश्चिंत रहिए कि आपने यदि यह सत्यनारायण भगवान की कथा का अनुष्ठान उस दिन किया है 24 घंटे का, तो आपको निश्चित रूप से इसकी फल प्राप्ति भगवान सत्यनारायण करवाएंगे। यह इस कलयुग में उन कथा का प्रभाव है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बाद मैं आपको एक और ही विचित्र, अद्भुत और अकल्पनीय एक उपाय बताता हूं, जो आप अपनाएंगे उसका लाभ आपको मिलेगा। धन से संबंधित धन प्राप्ति की अभिलाषा करने वाले व्यक्ति, तो सभी को धन की आवश्यकता रहती है, कोई कर्म के अनुसार किसी को प्राप्त होता है, किसी को नहीं मिलता है, ऐसा ये इस कलयुग में चलता रहता है। लेकिन इस उपाय को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। शर्त उसमें ये रहेगी कि श्री सूक्त आपने सुना होगा, श्री सूक्त माँ
भगवती लक्ष्मी जगत जननी माई का एक स्तोत्र है जिसमें 16 ऋचाएं हैं, 15 ऋचाएं, 16वीं ऋचा है फलश्रुति की। तो इन 16 ऋचाओं का यदि एक लघु अनुष्ठान 16 दिन का 16-16 बार कोई पाठ करता है और उसके बाद हवन इत्यादि करता है तो उसको धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है, हवन में आपको गाय का शुद्ध घी लगेगा, उससे आप प्रत्येक ऋचाओं से हवन करेंगे गाय के घी से। दूसरा, यदि आपको बिल्व फल, अलग अलग विधि है उनकी, कोई 100 बिल्व फल से गाय के घी के साथ हवन करता है तो उसको अलग फल की प्राप्ति है। 1000 बिल्व फल के साथ, गाय के घी के साथ यदि हवन करता है इस श्री सूक्त के पाठ के साथ तो उसको निश्चित रूप से ही माँ भगवती जगत जननी लक्ष्मी माई धन की प्राप्ति करवाने के साधन उपलब्ध करवा देती है, यह निश्चित है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी। गुरु महाराज की कृपा से जय माता महाकाली, जय गुरु महाराज। नीम करोली।